मना करबो दाल चावल गुन गुन मुर्गी फ्राई। हां मुर्गी फ्राई रोटी चलिया हो तलवा में हो सब डाल दियो फिर एक पैकेट दोपहर की तैयारी होता जी। देखी कोई बहुत आवाज में भाई खाना बनाओ ना खा तो आप पतलिया फोड़ दियो जबरदस्त फ्राई। कहाँ ढक दी? अच्छा अभी देखिए पीछे छोटे छोटे बच्चे आ गए कुत्ते के डॉगी इन लोगों खाने के लिए। ये रहा दूध बहुत ही प्यारे लगते हैं। रूम पे इस समय हम लोग हैं गाड़ी खड़ी किए हैं जुमा है नमाज पढ़ के और देखिए हमारे वाजिम भाई जा रहे हैं कपड़ा धोने शर्मा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और ये सब रही तमाम गाड़ियाँ और रही मेरी गाड़ी और शर्माते हुए धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए का कहो तो बनाई ना वीडियो बनाई यूट्यूब बना डालो। और देखिए वाजिम भाई कपड़े को पीटते हुए धुलते भाई देख ला जा कितना मेहनत कर रहे बेचारू हाँ इनके घर वाला वीडियो देखी तो भाई देख ला जा इतना मेहनत कर रहे ओकर बाद भी इनके क्यों नाम उम नहीं लेला। ये रहा चावल नहीं पतिया वो कर घूम लीट लगे ले बनी चलो देखो बहुत रही वो चाल चलो रे दी रा दो सही बात मार पिए जाए पसाक फेंक दो और कपड़े को मिचकारते हुए खंगारते हुए। तो वाजिम भाई कुछ खाना चाहेंगे सऊदी अरब और शर्मा शर्मा के धुलते हुए एकदम एकदम साफ हो गया बंदी है। हाँ हाँ बुआ देखा इतनी बार सरफुदीन आटा साना तो ना रोटी बनाओ खाती हाँ जुम्मा रलत को नहीं बना ले के मुर्गी फ्राई चावल दाल फ्राई फिर मतलब रोटी बना के खाई जी तब का साफ हो गया फिर खुद सरफ डाल और वाजिम भाई कपड़ा धुल लिए और मुर्गी फ्राई करते हुए आटा मढ़ाला कि सनाला हो मढ़ाला सनाला देखिए आटा मढ़ा अजय भोजपुरी भैया देखो आटा मढ़ाता सनाता मतलब वाजिम भाई के तो एकदम माशाल्लाह यही है सऊदी अरबिया की जिंदगी कमाइए खाइए बना के खाइए।
वाजिम भाई की तरह कपड़ा धोइए। आज जुम्मा ने इसके लिए सब कपड़ा इधर उधर पड़ा है, अभी सब सही कर लेंगे हम लोग। अच्छा वैसी का तकरीब सुनता लगा तो बंदूक ये उल्टा बा। इनके तेल चाहिए था माफिया वाला, माफिया ना हो नहीं डालने हाँ बाजी भाई फोटो नहीं काका मरत नहीं रे बाजी भाई ना ना ताका तो लाइन हो काला जाता है रे बाजी धन्यवाद बाजी भाई। अरे मर काहे तो ला जाता ला डाल दो ना ना ये हमारे वाजिम भाई दोस्त, ये हमारे भाई साहब छोटे भाई साहब सरफुद्दीन, मैं हसमुद्दीन। ये वाजिम भाई, वाजिम भाई हसमुद्दीन तिवारी जो जी कहे वो कोई लो मुश्किल नहीं है। वाजिम तिवारी तो चेक ना 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 चेक एकदम मियां मियां थैंक। तो हमार बनावल तो बढ़िया नहीं रही। तार बनावल तो मुझे जबरदस्त फ्राई माशाल्लाह खाद में मजा है जी ना। पैर बचाइयो बेलना दे बोन बेलना चौकी लो गाय रोटी बनाओ सिखाए तो नहीं रोटी रोटी बनाई लो वाला बनेगा ना अगर रोटा फूटा ही रोटी फुलाओ गाय और देखिए रोटी बनते हुए माशाल्लाह। ऊपर चार गो चार रोटी बनाओ चार रोटी मोटका चार लोग बानी के चार पटर पटर हाथे के रोटी बनावो ला रेडीमेड अंतर हो जाला। मुर्गी सिखा दिया घर लगे बुजुर्ग को बड़ी ध्यान दो ना जा धुआं मार देता हुआ बस हो जाता देखा जा कितना गोल बेला आप तो दिखाओ दिखाओ बहुत देर बहुत होता था वैसे तू बस बड़ का वो सरफुद्दीन बताओ तो आज ये ढेर तेज बा और तब एन एस सरकार आज ये तेज भाई एक बार वहां पे कहता तो रोटी गड़बड़ाई तो जान दियो ढूंगा मारा ये वाला पलंग रुक के पड़ी तो कहां का जा कहां अनाडी पागल गांव पूरा एड्रेस मत बताइयो कुछ कुछ बताइबो तो कट जाई। ये है महुआ डी महुआ बारी रोटी बेलती हुई लड़की लड़की एक फुलाती हुई
रोटी असली बानर आदमी वीडियो बनावता आ दाल मखनी बनल बिया तुम बताओ मगर तो बोलबो करो ना ना बोलो बनाती है बढ़िया रोटी हो एकदम तो पहले ही खराब कर दो तो बढ़िया तो हाथ लगा तो नहीं खराब ना हो तो नहीं जान लो दहीले के बाद फूल जाला मार रोटी अरे पानी पिए ला नहीं हो ठीक बा भाई बेलना रोटी बेले वाला केकर गाड़ी है वो अरे जात रहे अभी एती बोली वाली बहुत गरिया एक दाल देखो माशाल्लाह बखरो फुल गड़ी में फिरा हेलो हम लोग वीडियो बनाए पर का हो बनाइए बनाइए ये दाल फ्राई दियो चाहिए बा हां हर दियो चाहिए भाई साहब यहां पे खाने के साथ ठंडा कंपलसरी है ठंडा ठंडा का मौसम या गर्मी का मौसम वाजिम भाई को ठंडा नहीं मिलेगा तो पगला जाएंगे मार कर लेंगे लड़ाई झगड़ा रोटी माशाल्लाह रोटी क्या तरीके गुलाम भैया तू वो वीडियो बनाता ये रहा रोटी ये रहा फ्राई ये रहा दाल और ये रहा चावल ये रहा मिरिंडी रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह खाना कैसा बनल बाबू अच्छा निकला अच्छा माशाल्लाह खाना बहुत टॉप बा माशाल्लाह खाना बहुत बढ़िया बनाती है कौन गुलाम भाई हाँ आजम भाई हैं सार भाई नहीं हैं चलो ठीक है हाँ मिलेंगे घर मार निकल तो रहा मार बात खेले बोल रहा बहुत मस्त है घर में निकाल के इधर खा जाता मार बात फोन हो जाए ना जगह तो वीडियो चुप मजा आ गया खाना तो माशाल्लाह खाना पीना हो गया अभी वाजिम भाई अपना गाड़ी चालू करेंगे और निकलेंगे तैयारी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या है ये इसको अरबी में बोलते हैं जाफरान और ये है गाय का गोबर ये खाद के पर्पस से काम आता है खेती में ये जाएगा खाली होगा और इसके अंदर गोबर है गाय का गोबर जिस कंपनी में मैं गाड़ी खाली करता हूँ गेहूं का भूसी उसी में ये लोड हुआ है गाय का गोबर और ये हमारे कपिल के भाई का गाड़ी है खुद चलाता है ये एक्ट्रेस तो देख लीजिए ये है गाय का गोबर अरबी में जाफरान और एक और लफ्ज होता है समद
समद भी बोलते हैं इसको, समद। देख लीजिए इसमें लोड है गाय का गोबर, और इसमें वाजिम भाई लोड किए हैं ऊंट और बकरी का खाने वाला दाना, वापी दम्माम जाएंगे। और हमारे गुलाम भैया भी निकलते हुए होबर के साथ, अभी गाड़ी चालू हो गया, हवा बन जाएगा फिर निकल जाएंगे। थोड़ा इथी ला था का लूज तिरपल बाबा, तिरपला लूज ला था। हाँ, और गाड़ी में सामान रखने के लिए जगह यहाँ पे दोनों साइड दिया रहता है। और देखिए हमारे वाजिम भाई सामान रखे हैं, सेफ्टी शूज भी रखना पड़ता है, और दिखाते हैं कैसे बेल्ट मारा जाता है। देखिए ऐसे होता है, उसको उस साइड फेंक के और उसके मकीने में बेल्ट को लगा देंगे। यही हम लोग का काम है, माशाल्लाह मेहनत भी होता है, और उधर से फेंक के इधर फंसा दिया जाएगा, फिर बेल्ट को खींच के टाइट करेंगे, फिर मकीना लगाएंगे। देखिए कैसे होता है काम, ये आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा जो भी लोग सऊदी आना चाहेंगे। और देखिए इधर भी कुंटी फंसा के, और देखिए कैसे बेल्ट को टाइट किया जाएगा। कहीं के रस्सी भी लगा हुआ है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है बेल्ट का, बेल्ट लगा लेते हैं। और देखिए कैसे फंसा के इसको इसमें दबा के टाइट कर देंगे, और मजबूती के साथ पकड़ में आ जाएगा। देखिए ये बेल्ट धीरे धीरे टाइट होता जा रहा है। अरे माशाल्लाह देख लिए, ये भी पूरा टाइट हो गया, और ये भी नहीं हिलेगा। ओके फिर मिलते हैं।